नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगने पर हजारों युवा हुए बेरोजगार। हेडलाइंस 24 ने की डीजे संचालकों से चर्चा। मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है, जिस निर्णय ने हजारों युवाओं को बेरोजगार करने का फैसला हुआ है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार बहुमत से आई है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला हजारों परिवारों के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे फैसले लेती रहेगी और मध्य प्रदेश में युवाओं को बेरोजगार करने का निर्णय लेती रहेगी? तमाम मुद्दों साथ आज हमारे साथ में डीजे एसोसिएशन के तमाम युवा कार्यकर्ता जो आज बेरोजगारी कगार पर है। इन्होंने लोन लेकर अपना डीजे लिया है, अब ये लोन कैसे चुकाए, तमाम मुद्दे आज हमारे सामने है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार जो फैसले ले रही है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ में छलावा कर रही है। हम बात करेंगे संदीप जी, जो फैसला आया डीजे को लेकर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ दिनों पहले फैसला लिया है डीजे साउंड पर संगीत पर टोटल बैन लगाने का या हटाने का, और जो नया फैसला आया है उसमें दो बॉक्स रखकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही गई। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा, सर आप एक पुनः विचार करें और हमारे जो खाली विभाग का जो जीएन चलता है उसमें आप 4 से 6 बॉक्स की परमिशन दें, और हमें इस कारण हम कभी बेरोजगारी सामना करना पड़ रहा है। और यदि आपने कोई आगे चल के अच्छा सुझाव नहीं दिया, अच्छा निर्णय नहीं लिया, तो हम बेरोजगारी कगार पर, भुखमरी कगार पर, दरवाजे पर खड़े हैं। भी सर इसके साथ साथ कितने लोग बेरोजगार हैं? भोपाल की बात करें तो भोपाल में टोटल 500-600 डीजे वाले हैं और एक डीजे से 25 लोगों की रोजी रोटी चलता है। यदि इसमें उनके परिवार जोड़ दिया है तो 35-40 लोग हो जाते हैं। अब यदि 35-40 लोग यदि रोड पर आएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं भुखमरी, चोरी चकारी, डकैती ये सब बढ़ेगी, और इंसान जब बेरोजगार हो जाता है तो उसका संतुलन काम नहीं करता। लोन की किस्तें चुकाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? आगे सर हम यही कदम उठाएंगे। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाली 24 तारीख को अब से 4 दिन बाद हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के घर बंगले पर धरना देंगे, अपनी बात रखेंगे, और फिर भी नहीं कहेंगे, हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे। सर आप डीजे आपने लिया, क्या लोन लिया होगा? हाँ सर, काफ़ी कुछ हम लोगों ने क्या लोन, और जैसे हमें क्रेडिट मिल जाता है भोपाल में डीजे साउंड का जो बिक्री करते हैं उन लोगों से, तो उन लोगों से क्रेडिट पर हम लोग का सामान है। सर अब लोगों का दबाव भी आपको करा रहा था पैसा जमा कर, सभी लोगों का दबाव है सर, अब तो मतलब उनको भी मालूम है कि डीजे बंद की स्थिति में, तो पैसा सभी लोग मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर? ये निर्णय तो गलत किया है इन लोगों ने, इतने सारे लोग हैं यहीं पे, आप ही के सामने देख रहे हैं, यहीं पे हमारे 200 लोग खड़े हुए हैं। हम 200 लोग, एक डीजे से 20 लोग, 25 लोगों का घर चल रहा है। अब 200 से आप खुद गुणा कर लो, यहाँ पे 800-1000 लोग तो यहीं पे भूखे मांगे कर रहे हैं। अभी हम लोग जो नए नए लोग हैं सब ने नए नए सामान के चक्कर पूरा लोन ले लेके रखा है, सब चीज़ लोन में है, उसे किस कौन भरेगा? ये CM हमारे को देगा क्या? पूरा भुगतान वो करेंगे। इस युवाओं पे काफ़ी असर पड़ रहा है, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, सब कॉलेज पास करे हुए लोग हैं, रोजगार ना मिलने के चक्कर में इन्होंने ये धंधा शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है साउंड का। इस साउंड से रिलेटेड इन्होंने लोन लिया है, किसी ने इसी के दम पे शादी की है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी अगर हम लोग को इस तरह बैन कर देगी तो हमारे घर और पालन पोषण का क्या होगा? तमाम लोगों से चर्चा की, एक ही मुद्दा कि सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही और जो रोजगार है उसे भी छीनने में लगी। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील सरकार है, एक अच्छी सरकार के रूप में स्थापित हुई है। तो इस प्रकार के फैसले लेकर युवाओं के मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो ये वही युवा है जिनके दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे कि ये युवा अगर बेरोजगार हुए तो मध्य प्रदेश में अपराध भी बढ़ेंगे, साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि युवाओं के साथ साथ ऐसे परिवार भी जुड़े हैं जो सिर पर लाइट लग के बारातों में जाते हैं, उनके परिवार भी इनसे जुड़े हुए हैं। और करीबन मध्य प्रदेश में 20 से 25 हज़ार युवा ऐसे हैं जो डीजे जैसे व्यवसाय से संचालित अपना परिवार चला रहे हैं। अरे ये युवा वास्तव में बेरोजगार हुए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट का जो सपना है कहीं वो अधूरा सा न रह जाए, इसलिए समय रहते हुए ऐसे आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज करके एक ऐसे आदेश बनाया जाए ताकि नियम का पालन भी हो और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। हम ये नहीं कहते कि ये आदेश बदल दे, जिस प्रकार मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया उससे किसी का रोजगार जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन डीजे पर जिस प्रकार पाबंदी लगाई उससे हजारों युवाओं का रोजगार जुड़ा हुआ और हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो
ये मासूम से युवा आत्महत्या जैसे कदम उठा ले क्योंकि इनके ऊपर कर्ज का बोझ है, ब्याज से पैसे लिए, ब्याज वाले के घर पे आके पैसे दबाव बना रहे। अब ऐसे परिस्थिति में ये क्या निर्णय लेंगे, ये तो सरकार भी जानती है, और अगर ये आत्महत्या से कदम उठाते तो मध्य प्रदेश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती। हेडलाइन 24 संतोष जी भोपाल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।